एक छोटे से गांव में मैक्स नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साहसी लड़का था और जंगल में घूमना पसंद करता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था जब उसे एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर लगी। वह रास्ते पर चल पड़ा जो उसे जंगल में गहराई तक ले गया। जैसे ही मैक्स जंगल में आगे बढ़ता गया, निशान गायब हो गया। वह भटक गया और खो गया। अपना रास्ता खोजने के लिए बेताब उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जंगल में और गहराई तक चला गया। अंधेरे होने लगा और मैक्स डरने लगा। वह अकेला था और उसे पता नहीं था कि वह कहां था। तभी उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि दो जोड़ी चमकती आंखें उसे घूर रही हैं। मैक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह भेड़ियों के झुंड का सामना कर रहा है। वह घबराहट से डर गया और दौड़ने लगा, लेकिन भेड़िये उसके पीछे पड़ गए। जैसे ही भेड़िये मैक्स को पकड़ने वाले होते हैं, एक राजसी चील आकाश से नीचे उड़ती है। चील ने अपनी चोंच से भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। मैक्स घबराया हुआ और थका हुआ था। वह चील को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, लेकिन चील ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारा स्वागत है मैक्स। चील ने खुद को आयरस बताया। उसने मैक्स को बताया कि वह एक बुद्धिमान और शक्तिशाली चील है जो जानवरों से बात कर सकती है। आयरस ने मैक्स को जंगल से बाहर ले जाने की पेशकश की। मैक्स ने आयरस के साथ जाना स्वीकार कर लिया। आयरस ने मैक्स को जंगल के रास्ते दिखाए और उसे जानवरों से बचने में मदद की। मैक्स ने आयरस के साथ घूमते हुए बहुत कुछ सीखा। उसने जंगल के रहस्यों के बारे में जाना और जानवरों के साथ सम्मान से व्यवहार करना सीखा। एक दिन वे जंगल से बाहर आ गए। मैक्स ने आयरस को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा आयरस। आयरस ने मैक्स को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी मैक्स। मैक्स अपने घर लौट गया, लेकिन वह कभी भी जंगल और आयरस को नहीं भूला। वह जानता था कि उसने जीवन भर का दोस्त बना लिया है।